भारतवर्ष हमारे इस महान देश में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ की हिस्टोरिकल वैल्यू विश्व प्रसिद्ध है। इनमें से एक शहर है हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। और आज हम आए हैं गोलकोंडा फोर्ट में। गोलकोंडा फोर्ट अकॉस्टिक आर्किटेक्चर का एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है, जैसे कि आप अगर किले के एंट्रेंस पे खड़े रह के क्लैप करोगे तो ये साउंड 1 किलोमीटर दूर किले के एकदम ऊपर तक जाने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं गोलकोंडा फोर्ट आया हूँ हैदराबाद में, देखता है कैसा है अंदर। यही है गोलकोंडा फोर्ट का एंट्रेंस। और इस एंट्रेंस की खास बात है कि आप देखोगे एंट्रेंस के सामने एक वॉल बनाया हुआ है। इसे बनाया गया है ताकि एलिफेंट डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। एंट्रेंस से अंदर जाते ही आपको ये एरिया मिलेगा। इस सर्कल के नीचे खड़े रह के आप अगर क्लैप करोगे तो आपको अकॉस्टिक अलार्म वाला सिस्टम जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग पे, वो आपको फील होगा। और आप जो ये सामने पैसेज देख रहे हो, यही से बादशाह के रिलेटिव्स के डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता था। हाय दोस्तों, मैं गोलकोंडा फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप जो एरिया देख रहे हो ये उस टाइम का ऑफिस घर हुआ करता था। और आप देख सकते हो कोई दीवार नहीं है, पर दीवार की जगह उस ज़माने में पर्दा यूज़ किया जाता था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स की तरह बनाए हुए, वहाँ पे उस ज़माने में दिए रखे जाते थे और उनके सामने डायमंड्स रखा जाता था जिनके रिफ्लेक्शन से पूरा एरिया रोशनी से फैल जाता था। तो आप देख ही सकते हो कि इस फोर्ट को बनाने में जो इंजीनियरिंग यूज़ किया गया है कितना सोच विचार करके बनाया गया था। इस पूरे फोर्ट को एक ट्रेड रूट पे बनाया गया था और बहुत ही सारे कीमती हीरे और जेमस्टोन्स के ट्रेड हुआ करते थे यहाँ पे। तो इस जगह को काफ़ी सिक्योर भी बनाया गया है। आप ये एरिया देख सकते हो, ये एरिया एक टाइम पे चेक पॉइंट हुआ करता था जहाँ पे जो कोई भी आना चाहता है फोर्ट के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग किया जाता था उनका। चलिए आपको कुछ बातें बताते हैं इस फोर्ट के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फोर्ट का नाम पहले रखा गया था गोलाकोंडा, जिसका मतलब है राउंड हिल। और इस फोर्ट को सबसे पहले 1143 में वारंगल के राजा काकातिया प्रताप ने बनाना शुरू किया था। और फिर इसे बाद में कुतुब शाही सुल्तानों ने जीत लिया था और इसे कम्प्लीट किया। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक गार्डन है, जिस गार्डन का नाम नगीना गार्डन है। और यहाँ पे उस ज़माने में डायमंड्स के ट्रेड हुआ करते थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोहिनूर हीरा जो अभी इंग्लैंड में है, वो हीरा भी यहीं पे हुआ करता था एक टाइम पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है, पर एक टाइम पे ये बंदूक बनाने का फैक्ट्री हुआ करता था। और वो बंदूक काफ़ी बड़े होते थे तो उनको ऐसे चलाया नहीं जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप मेरे सामने दीवार देख रहे हो इसके बीच में जो गैप्स और होल्स है वहीं पे बंदूक को सपोर्ट की तरह रख के चलाया जाता था, क्योंकि उस टाइम के बंदूक काफ़ी हेवी हुआ करते थे। आप यहाँ आओगे तो हैरान रह जाओगे कि इस फोर्ट के इंजीनियरिंग डिज़ाइन से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, जैसे कि डायमंड लैम्प हो गया, एकॉस्टिक अलार्म सिस्टम हो गया, या फिर इस फोर्ट के हिस्ट्री से। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो ये एक पाइपलाइन है उस ज़माने का, क्योंकि लाइमस्टोन से बनाया गया था। तो दोस्तों चलिए अभी ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पे राजा का दरबार है। नीचे से ऊपर तक टोटल 720 स्टेप्स है, तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। आप पूरा नज़ारा देख ही सकते हो। ये रामदास का प्रिजन है, आप पॉज करके देख सकते थे। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगा कि ये जेल होते हुए भी एक तो है रोशनी काफ़ी कम है, आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा और अंधेरा सा एरिया है, फिर भी वो कुछ मूर्तिज़ बना के रखे हैं जिसपे वो पूजा करते थे। ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो एक मॉन्यूमेंट की तरह, ये एक मस्जिद है जिसे कुतुब शाही मस्जिद भी कहते हैं। इसे कुतुब सुल्तान फैमिली के थर्ड बादशाह ने बनाया था, जिनका नाम इब्राहिम कुली कुतुब शाह है। चार मीनार इसी मस्जिद के डिज़ाइन के आधार पर बनाया गया है, तभी देखने में दोनों काफ़ी सिमिलर है। इस मस्जिद के अलावा कुतुब कुली शाह ने
इस मस्जिद के सामने ही एक टेंपल को भी बनाया था। इसे पहले तो राजा काकतीय प्रताप ने बनाया था, पर बाद में कुतुब शाह ने इसे बड़ा बनाया। आइए चलिए अभी चलते हैं। ये सबसे ऊपर का एरिया है, इसे किंग्स पैलेस या फिर दरबार भी बोला जाता है। दोस्तों फाइनली मैं गोलकोंडे फोर्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट पे आ चुका हूँ। काफ़ी चढ़ाई था, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।